अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम फिरोज शाह, फिजिक्स लेक्चरर। एक छोटा सा टॉपिक है फर्स्ट ईयर का, उसके कुछ मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स का, और वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आई वांट टू डेडिकेट दिस टॉपिक टू पीएफ स्टूडेंट्स। उनसे कहा था, मैंने वादा किया था, चूंकि आजकल तो मैं एक्सरसाइजेस अपलोड कर रहा हूँ, टॉपिक्स इंशाल्लाह एक्सरसाइज के बाद अपलोड करूंगा, बट उनके लिए ये टॉपिक अपलोड कर रहा हूँ उनके रिक्वेस्ट पर, उनका रहता था कोर्स में। सो पोलराइजेशन के मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ फुली इंशाल्लाह। आफ्टर एक्सरसाइज आई विल डिस्कस पोलराइजेशन इन मच मोर डिटेल अलॉन्ग विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। बट अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके लिए कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सीधा सीधा पॉइंट्स। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, टॉपिक का नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फर्स्ट वन, पोलराइजेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है टू कन्वर्ट थ्री डायमेंशनल लाइट टू टू डायमेंशंस। भाई वो प्रोसेस जिसमें हम लाइट को थ्री डायमेंशन से टू डायमेंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और टू डायमेंशन के साथ साथ और वन डायमेंशन, हम लाइट को टू डायमेंशन के साथ साथ वन डायमेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। फर्दर मोर, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास लाइट है, और देखो ये लाइट अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है, वाई भी है, जेड भी है। अगर हमने इस लाइट के साथ कोई भी ऐसा प्रोसेस कर लिया कि उस प्रोसेस के बाद इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाइट मौजूद हो, वाई एक्सिस पर लाइट मौजूद हो, लेकिन जेड एक्सिस का लाइट हमने ब्लॉक कर दिया, खत्म कर दिया, तो ये थ्री डायमेंशन में था लाइट और ये अब टू डायमेंशन में आ गया, प्रोसेस कहलाता है पोलराइजेशन। लेकिन थ्री डायमेंशन से टू डायमेंशन जाने को पार्शियल पोलराइजेशन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पार्शियल पोलराइजेशन। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास थ्री डायमेंशन का लाइट है, एक्स एक्सिस पर भी, वाई पर भी, जेड भी, और हम इसके साथ कोई भी प्रोसेस करें माय डियर स्टूडेंट्स, और उस प्रोसेस में हम इसको वन डायमेंशन में कन्वर्ट करें, लाइट सिर्फ एक्स एक्सिस पर हो, वाई और जेड एक्सिस का लाइट ब्लॉक हो जाए मुकम्मल तौर पर, तो इस प्रोसेस को फिर नाम दिया गया है, ये भी पोलराइजेशन है, बट इट इज कॉल्ड कंप्लीट पोलराइजेशन। इसको बोलते हैं कंप्लीट पोलराइजेशन और उसको बोलते हैं पार्शियल पोलराइजेशन। बिफोर पोलराइजेशन द लाइट इज कॉल्ड नॉन पोलराइज्ड, इट इज अनपोलराइज्ड लाइट या नॉन पोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट या नॉन पोलराइज्ड लाइट, आप देख लें क्या ठीक है, नॉन पोलराइज्ड लाइट। और माय डियर स्टूडेंट, टू डायमेंशंस में जो लाइट होगा इसको प्लेन पोलराइज्ड कहते हैं, इट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और वन डायमेंशन को पोलराइज्ड बोलते हैं, इट इज पोलराइज्ड लाइट, वन डायमेंशन लाइट इज पोलराइज्ड लाइट। फर्दर मोर, आसान दूसरा डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन आपके साथ शेयर करता हूं, थ्री डेफिनेशन काफी आपके लिए। पहला डेफिनेशन आपने सीख लिया, मैं आपसे पूछता हूं, इस प्रोसेस से पहले थ्री डायमेंशन में लाइट मौजूद है और इस प्रोसेस के बाद टू डायमेंशन में, तो टू डायमेंशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस ज्यादा होगा या थ्री डायमेंशन? डेफिनेटली आप कहोगे सर थ्री डायमेंशन में लाइट ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, टू डायमेंशन में लाइट कम। सो इसका मतलब है कि पोलराइजेशन की मदद से लाइट की इंटेंसिटी में क्या आता है, लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीज आता है, लाइट की इंटेंसिटी में डिक्रीज आता है। और इसी तरह थ्री डायमेंशन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वन डायमेंशन कम, तो इधर भी पोलराइजेशन में क्या आता है, डिक्रीज आता है। शाबाश, सही है। फर्दर मोर, एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन में इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, पोलराइजेशन में इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। सो वी कैन से सिंपली अप्रोक्सीमेटली वी कैन से दैट पोलराइजेशन इज द रिसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, एम्प्लीफिकेशन के रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में एम्प्लीफिकेशन का अपोजिट काम होता है, एम्प्लीफिकेशन इंटेंसिटी को बढ़ाता है, पोलराइजेशन इंटेंसिटी को कम करता है। आप सीख गए हो, समझ गए हो। एक और भी बात, जहां भी प्रोसेस होगा तो प्रोसेस करने के लिए डिवाइस का होना लाजमी है, द डिवाइस यूज्ड फॉर पोलराइजेशन इज कॉल्ड पोलराइजर। इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाला जो डिवाइस होता है, द डिवाइस इज कॉल्ड पोलराइजर, इसको पोलराइजर बोलते हैं, द डिवाइस इज कॉल्ड पोलराइजर। ठीक है, मैं और आप समझ गए हैं।
द थर्ड डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का जो तीसरा डेफिनेशन है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो सकता है, आप गौर करें। ये मार्कर्स को देखिएगा, आप इन मार्कर्स को देखिए आज के लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस। तो थ्री डायमेंशंस में मौजूद होना मीन कि इट एग्जिस्ट स्फेरिकली, इट एग्जिस्ट स्फेरिकली चारों तरफ, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो चारों तरफ मौजूद है, स्फेरिकल फॉर्मेट है, नॉन पोलराइज्ड लाइट स्फेरिकल लाइट होता है, स्फेरिकल एग्जिस्टेंस रखता है। लेकिन जब टू डायमेंशन होता है तो टू डायमेंशन में सरफेस बनते हैं, शीट्स बनते हैं। इसका मतलब है कि नॉन पोलराइज्ड लाइट इज स्फेरिकल लाइट, ये क्या है, स्फेरिकल लाइट है, और टू डायमेंशन शीट्स हैं, क्या है, ये शीट्स हैं। अब देखिए ये तो स्फेरिकल लाइट होगा थ्री डायमेंशन, लेकिन वन डायमेंशन इज बीम, वन डायमेंशन इज कॉल्ड बीम। वन डायमेंशन क्या होता है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बीम, ये बीम के फॉर्म में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, तीसरे नंबर पे मैं क्या लिखना चाहता हूं, तीसरे नंबर पे मैं लिखना चाहता हूं कि पोलराइजेशन क्या है, कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्फेरिकल एग्जिस्टेंस, स्फेरिकल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट इनटू शीट्स और बीम्स, लाइट को बीम्स और शीट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर स्फेरिकल लाइट को शीट्स में बदल रहे हो, इट इज पार्शियल पोलराइजेशन, और अगर स्फेरिकल लाइट को बीम्स में बदल रहे हो, इट इज कंप्लीट पोलराइजेशन। स्फेरिकल लाइट को बीम्स में बदल रहे हो, इट इज कंप्लीट पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन के टाइप्स कितने हैं, पोलराइजेशन जो है कितने तरीकों से हम कर सकते हैं, मतलब तो हम समझ गए कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। ये भी याद रखिए कि पोलराइजेशन जो है इट इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव्स, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसवर्स वेव करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं करते, पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता। तो अगर अननोन रेज है, आपको नहीं पता कि ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, तो उसको पोलराइजर से पास करो। अगर पोलराइजर से पास होने में पोलराइजेशन हुआ तो ये ट्रांसवर्स है, और अगर पोलराइजेशन नहीं हुआ तो ये लॉन्गिट्यूडनल है। हमारे पास एक डिवाइस है पोलराइजर, उससे अननोन वेव्स पास कर दो, वेव्स पास हो गए, पोलराइजेशन नहीं हुआ, तो समझ जाना कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, और पोलराइजर से पास होने के बाद पोलराइजेशन आपको मिला, दैट मींस कि ये ट्रांसवर्स है। तो पोलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव्स को, ठीक है। अब पोलराइजेशन के हमारे स्टूडेंट टाइप्स, पोलराइजेशन हम कर सकते हैं स्कैटरिंग से। स्कैटरिंग का मतलब है कि मीडियम के बिखरे हुए पार्टिकल्स, यानी ये लाइट का एक बीम है अलोंग जेड एक्सिस, आप इसको ब्लॉक करना चाहते हो, तो ये पोलराइजेशन है कि किसी भी डायमेंशन के लाइट को ब्लॉक करो। तो इधर एक पार्टिकल इसका थोड़ा हिस्सा ब्लॉक करे, ये थोड़ा छोटा हो गया, आगे जाकर मजीद गैप कम हुआ, फिर पार्टिकल मिल गए, उन्होंने कुछ और हिस्सा ब्लॉक कर दिया। तो किसी भी डायमेंशन का जो लाइट है वो धीरे 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 ब्लॉक करना, और आखिरकार पोलराइजर या कॉम्बिनेशन से निकलेगा तो डायमेंशन का लाइट होगा ही नहीं। वक्फे वक्फे से ब्लॉकेज इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, वक्फे वक्फे से ब्लॉकेज बाय स्प्रेडिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड पोलराइजेशन, इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। द नेक्स्ट इज पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मीन यकदम ब्लॉकेज। जब आप लाइट के किसी भी डायमेंशन को ऑन द स्पॉट ऐसे ऐसे ब्लॉक करो, अभी है और खत्म, देन इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। मिसाल के तौर पर आप अपने रूम में फुल अंधेरा डार्कनेस कर दें, ठीक है, अपने रूम में उजाले ना करें, सब अंधेरा कर दें, ठीक, और बाहर तेज लाइट ऑन करें और अपने कमरे के दरवाजे को बंद करें और कमरे के दरवाजे में एक कट लगा दें पतला सा, तो आप देखोगे कि आपके कमरे में एक शीट ऑफ लाइट आपको नजर आएगा। बाहर थ्री डायमेंशन लाइट होगा, कमरे में शीट होगा, तो आपने जो किया
वो उस दरवाजे के कट के साथ आपने एक डायमेंशन को ब्लॉक किया, टू डायमेंशन लाइट आया, ऊपर नीचे वाला लाइट, आगे पीछे वाला लाइट आया, दाएं बाएं वाला लाइट रुक गया, तो आपने एकदम उसको ब्लॉक कर दिया दरवाजे से। उस तरफ थ्री डायमेंशन है, इस तरफ टू डायमेंशन, एकदम वन डायमेंशन ब्लॉक, वक्फे वक्फे से नहीं। इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अगर आप उस दरवाजे में कट ना लगाओ, बारीक सा सुराख कर दो, तो उससे उस तरफ थ्री डायमेंशन होगा और इससे इस तरफ एक नैरो बीम आपको इस कमरे में मिलेगा, और ये हमारे पास एक नैरो बीम होगा, वन डायमेंशन होगा, कंप्लीट पोलराइजेशन होगा, और फौरन हुआ पूरा डायमेंशन दो एक साथ ब्लॉक हो गए। इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। द थर्ड वन इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस लाइट इसके लिए जो पोलराइजेशन होता है वो सिंपल आइडिया है कि जब सरफेस की तरफ लाइट आता है तो वो तो थ्री डायमेंशन होता है, सरफेस के टकराने के बाद वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हिस्सा रिफ्रैक्शन में चला जाता है, एक रिफ्लेक्शन में। यानी फर्ज करो ये बाउंड्री है और यहां से आने वाला लाइट जो है वो थ्री डायमेंशन है, उसमें एक्स भी है, उसमें वाई भी है और उसमें जेड भी है। अब पलट कर वापिस मुड़ जाए और एक रे इससे पास हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसा मुमकिन है कि रिफ्लेक्टेड रे टू डायमेंशन हो और रिफ्रैक्टेड रे वन डायमेंशन हो, तो और ये थ्री डायमेंशन है यानी नॉन पोलराइज्ड, तो थ्री डायमेंशनल रिफ्लेक्शन से टू डायमेंशन में जाना इट इज कॉल्ड पार्शियल पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, और वन डायमेंशनल रिफ्रैक्शन में आना कंप्लीट पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे वन डायमेंशन तो कंप्लीट पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्टेड रे टू डायमेंशन तो पार्शियल पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। आप समझ गए हैं ओके। फर्दर मोर एक केस इसका प्रेजेंट हो सकता है, कभी कभी ये भी मुमकिन होता है कि रिफ्लेक्टेड रे वन डायमेंशन हो जाए और रिफ्रैक्टेड रे टू डायमेंशन हो जाए, तो ये कंप्लीट पोलराइजेशन इन रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल पोलराइजेशन इन रिफ्रैक्शन। इसी केस का एक फॉर्मूला आपके बुक में दिया है और उसे कहते हैं ब्रेवस्टर लॉ। सो वो क्या है, याद रखिए इस केस में ये नॉर्मल होता है, यहां जो एंगल होता है इसे थीटा पी कहते हैं, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये वो एंगल होता है जिसमें रिफ्लेक्टेड रे वन डायमेंशन बने और रिफ्रैक्टेड रे टू डायमेंशन बने। इसी थीटा पी के मैथमेटिकल फॉर्म को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा पी। थीटा पी इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, थीटा पी इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। कोई पूछे व्हाट इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन, तो वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड रे वन डायमेंशन और रिफ्रैक्टेड रे टू डायमेंशन बन जाए, दैट इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, और थीटा पी से डिनोट होता है। इसके मैथमेटिकल फॉर्म को ब्रेवस्टर लॉ बोलते हैं। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थीटा पी इज कॉल्ड ब्रेवस्टर लॉ, व्हिच इज टेंजेंट थीटा पी इज इक्वल टू एन वन ओवर एन टू। एन वन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर वन का, और N2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर टू का। ये ब्रेवस्टर लॉ कहलाता है, ये हमारे पास है ब्रेवस्टर लॉ। आप समझ गए हैं, ब्रेवस्टर लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म ये है। ये कब अप्लाई होगा, याद रखिए जब इंसिडेंट एंगल ऐसा हो कि रिफ्लेक्टेड रे वन डायमेंशन और रिफ्रैक्टेड रे टू डायमेंशन हो। पोलराइजेशन के जो यूजेस होते हैं, दो तीन छोटे से यूजेस हैं। एक इसमें ये यूज होता है, इससे हम लाइट ग्लेयर कम करते हैं रात के वक्त, पोलराइजर ग्लासेस लगाओ तो सामने आने वाली गाड़ी का लाइट आपके लिए कम होगा। दूसरा यूज ये है कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी, हम सॉलिड का स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कर्टनलेस विंडो, कमरे में एक ऐसा विंडो लगाते हैं जिसमें वो ना हो। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।